हे गाइस, वेलकम टू मैचलेस टेक चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलीटेड फाइल्स को किस तरह से रिकवर किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में आज बताऊंगा जिसके थ्रू फाइल्स रिकवर करना या पार्टीशंस रिकवर करना या एक्सटर्नल फाइल्स को रिकवर करना, कोई भी आप फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स आप रिकवर करना चाहते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेनोशियर 4D डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में, जो आपको विंडोज और मैक दोनों के लिए आपको अवेलेबल मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसको इस्तेमाल करना और किस तरह से आप रिकवर कर सकते हैं डिलीटेड डेटा को सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पे और देख लेते हैं हम किस तरह से इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से हम इसे इंस्टॉल भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं 4D विंडोज डेटा रिकवरी है, ऑल इन वन सॉल्यूशन टू परफॉर्म डेटा रिकवरी एंड रिपेयर फॉर ऑल सिनेरियोस। आप यहां पर डेटा रिकवरी कर सकते हैं ऑल सिनेरियोस का, जो क्रैश अगर भी होता है सिस्टम तब भी आप रिकवर कर सकते हैं। यहां पर आप 1000+ फाइल्स रिकवर कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप यहां पर फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इसके फीचर्स। जैसे सबसे पहला जो फीचर है वो है डिलीटेड फाइल्स रिकवरी। तो जो भी आपकी फाइल्स डिलीट हो गई है उन्हें रिकवर करने के लिए आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो मदद करेगा। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं डिलीटेड फाइल रिकवरी में आप सारे फोटोज, इमेजेस भी डाउनलोड कर रिकवर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है लास्ट पार्टीशन रिकवरी, आप पार्टीशन रिकवर भी कर सकते हैं। कभी कभी पार्टीशन जो है मिसबिहेव करके करप्ट हो जाता है, वो आप रिकवर कर सकते हैं। क्रैश कंप्यूटर रिकवरी, यहां पर अगर आपका कभी कभी कंप्यूटर क्रैश भी हो जाता है तब भी आप रिकवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको रॉ फाइल रिकवरी भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और दो तीन ऑप्शंस है जैसे एक्सटर्नल डिवाइसेस से भी आप रिकवर कर सकते हैं। सपोज माइक्रो SD कार्ड, पेन ड्राइव से भी, हार्ड डिस्क से भी आप रिकवर कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आप इसके इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे जो अभी आपने डाउनलोड किया था, उसके बाद इंस्टॉल प्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं किस तरह से हम फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सामने एक यहाँ पर मेरे पास मेमोरी कार्ड है जिसको मैं फॉर्मेट करूँगा और फिर वहाँ से आपको IDO फाइल्स रिकवर करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली है, तो आप देख सकते हैं 29, अभी इसकी 6.6 GB फ्री है। तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे, पहले तो इसको मिनिमाइज करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली जो वो डिस्क है तो 6. ये कुछ समथिंग इसका फ्री है। तो हम इसको फॉर्मेट करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको रिकवरी पे लगाएंगे। तो पहले फॉर्मेट कर लेते हैं, तो अपना सारा डेटा हम डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर इसमें कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं फिर से अपने यहाँ पर डिवाइस पे, पहले तो इसको क्लोज करेंगे फिर नए से स्टार्ट करेंगे। तो टेनोशियर 4D DIG यहां पर हम ओपन कर रहे हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं 29.7 GB/29.7 GB। तो इससे हम अब रिकवर करेंगे क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं है। इससे पहले इसमें बहुत सारा डेटा था, लगभग 23 GB का डेटा था, तो वो हमने फॉर्मेट कर दिया। अब हम करेंगे स्टार्ट और यहां से जो भी फाइल्स आप रिकवर करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑल टाइप्स कर सकते हैं, फोटो भी कर सकते हैं, वीडियोस भी कर सकते हैं और बाकी जो अदर टाइप्स होती है वो भी कर सकते हैं, साथ ही साथ IDO डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ फोटोज और फोटोज की ऑल टाइप्स सिलेक्ट करेंगे। तो अब करेंगे सेकेंड सिलेक्टेड फाइल टाइप, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और स्कैन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको टाइम बता देगा कि कितने देर में आपकी जो स्कैनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी और जो भी आपका डिलीटेड डेटा होगा वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। आप यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल व्यू, ये भी आप कर सकते हैं। आपको पहले ही रिकवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे रिकवर करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले तो हम इसको ओपन करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं JPG की हमारी 700 कुछ फाइल्स है रिकवर हो रही है। तो इनमें से चलिए एक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी इमेज फाइल्स रिकवर हो रही है, तो यहाँ पर सारा कुछ डेटा आपका नजर आ रहा है। तो एक इमेज कर लेते हैं ओपन,
तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो फुल प्रूफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी इसमें यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं आ रहा है क्वालिटी में। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोन से ली गई ये पिक्चर है, तो फोन से ऐसी क्वालिटी आती है। वैसे भी पुरानी इमेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट भी आपको देखने को मिलेगा, रेडमी 3S 2018 में ये इमेज ली गई है जो कि रिकवर इसने कर दी है। तो दोस्तों इस तरह से आप रिकवर कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं टोटल 2490 इमेजेस कवर करते हैं, अभी भी 21% ही स्कैन हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको फुल स्कैन होने देते हैं और उसके बाद अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, सपोज मैं ये इमेज रिकवर करना चाहता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने इसे चेक करना है और यहाँ से रिकवर पे क्लिक करना है। अभी हम मुझे ये रिकवर नहीं करना है, तो चलिए आप कर सकते हैं रिकवर इस तरह से। आप यहाँ पर स्टोरी चेक करके रिकवर कर सकते हैं, आपने वो वाला चेक करना है जिसके आप रिकवर नहीं कर रहे हो। तो चलिए इस तरह से आप रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमने देखा किस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से फाइल्स को इजीली रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों इससे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स मिलते हैं, आप पार्टीशंस रिकवर कर सकते हैं, आप क्रैश्ड कंप्यूटर को भी रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको 30% डिस्काउंट कूपन मिलेगा, वहां से जाके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।